ढूंढना यार। Hi, excuse me, ladies and gentlemen. Good morning, everybody. Well, bro, क्या ढूंढ रहे हो यार? कुछ नहीं भैया, वो गोंद नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। अरे यार, गोंद ये मिल जाए कहीं, होगी कहीं। ढूंढना यार। एक तो वैसे ही नाकाबिले बर्दाश्त था यो बुढ़ाऊ, ऊपर से दिन पर दिन देख रही हूँ बदतमीजियां दे तड़ातड़ बढ़ती जा रही इसकी। ये ना है कि एक सीनियर अफसर आया है तो जरा मैं उचक लू, ना भर डिस्ट्रिक्ट हिला लू, खड़ा हो जाऊं सल्यूट करने। मॉम, मैं उठने की कोशिश तो कर रहा हूँ पर उठ नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है मैं जैसे कुर्सी से चिपक गया हूँ। ओ, वहाँ है कौन? शाबाश! नमस्ते मैडम, पानी गर्म चाहिए। अच्छा, और मुझ में क्या नजर आ रही थारे को, थारी अम्मा की कतई एक्साइटेड होके सवेरे बिल्कुल साड़ी खोस के बगल में इमल्सन रात बाल्टा में डुबा के गरम पानी करके सरसों के तेल में अपने लल्ला को कतई मालिश करेगी और फिर नहलाएगी तैने, है ना? नहीं मैडम, आप समझी नहीं, ये मेरा तकिया कलाम है, आप सबको मेरा सलाम है। मेरा नाम है रवि, पेशे से हूँ कवि। बड़ी मुश्किल से मुझे मिला था फेमस होने का मौका, लेकिन उस पब्लिशर ने मुझे दे दिया बहुत बड़ा धोखा। अच्छा, माय टर्न। भाई मैं हूँ पेशे से इंस्पेक्टर, एक एक को जोत दूं ऐसा हूँ ट्रैक्टर। ये मैटर अपना बता ले खुल के, वरना यहां से जाएगा हमारे हाथों से धुल के। इतना भी कोई बढ़िया ना है जो कतई एप्रिसिएशन में बह लिए। Well. मैडम, मैंने लिखी थी अपनी कविताओं की एक बुक, अगर छप जाती तो मुझे मिलता बहुत सारा सुख। लेकिन उस पब्लिशर ने किसी और के नाम से मेरी कविताएं कर दी प्रिंट। उसने मुझे जरा सी भी ना दी हिंट। मैडम, आप ही मुझे दिलवाए इंसाफ, और उस पब्लिशर को मत करिएगा कभी माफ। इट्स अ मैटर ऑफ क्लियर प्लेगरिज्म। कोई नहीं, सिलवा लेंगे, दर्जी दोस्त है मेरा। क्या मतलब मैडम? मतलब इसकी कविताएं पुंड हो गई ना यार। बुलवाओ, पब्लिशर ने बुलवाओ। ओके, आए। Follow her. Well, mom. फिर से ले आवे इनको। हेलो मैडम, मैं दिलफेम हूँ, लाखों में एक हूँ, है ना सेक्रेटरी? है ना? समझ रही हो ना? हाय मैडम, मैं तो इनकी सेक्रेटरी चुलबुली छेड़ा, लोग समझते हैं मुझे पेड़ा। मैं ब्यूटी का पकौड़ा हूँ। और मैं कानून का हथौड़ा हूँ। और वो भी कोई ऐसा वैसा ना, ऐसा हथौड़ा जो एक बार पड़ जाए तो पकौड़े में से बेसन गायब कर दे। Excuse me, मैडम, क्या हम जान सकते हैं कि आपने हमको यहाँ पे क्यों बुलाया है? तुम्हारे नाम की यहाँ कंप्लेंट आई है, ए अंगूर की दाना। क्या किसी रवि नाम के कवि की कविताएं
किसी और आदमी के नाम से तूने छाप ली और उसके पैसे ले लिए? नहीं मैडम, ये एकदम झूठ है। मैं किसी रवि नाम के कवि को नहीं जानता। है ना सेक्रेटरी छेड़ा, समझ रही हो ना? समझ रही हो ना? बस ये उसी रवि कवि की बात कर रहे हैं जो आपको भर भर के गालियां दे गया था। अच्छा आप कहें तो बता दूं इन्हें कि कौन कौन सी गालियां दे गया था वो आपको। मैडम बताऊं? ओके ये देखिए मैडम, पकोड़े ने तेल छोड़ दिया, मतलब कि इनकी सेक्रेटरी ने खुद ये बता दिया कि कवि रवि इनके ऑफिस में गए थे और वहां जाके इनको भर भर के गालियां भी दी थी उन्होंने। तो जब तेने छापी नहीं उसकी कविताएं किसी और के नाम से, तो क्यों फिर फंड में तेने दे गया गालियां? देखिए मैडम, इससे ये साबित नहीं होता कि मैंने उसकी लिखी हुई कविताएं किसी और के नाम से छाप दी हैं, जिसकी वजह से वो मुझे गाली दे के गया है। है ना सेक्रेटरी, समझ रही होना? समझ रही होना? मैडम ये तो इतने हैंडसम है कि इन्हें कोई भी गाली दे जाता है। इनफैक्ट मैडम ये तो मंदिर में टंगे उस घंटे की तरह है जिसे कोई भी टनटना चाहता है कभी भी। ओह लवली डार्लिंग। अब मैडम परसों की बात ले लीजिए, इन्हें धोबी पीट के चला गया। और मैडम 3 दिन पहले चाय वाला घसीट गया, है ना डार्लिंग? ये जो छोटा भी भीषण पाल रखा है ना तेने, इसने तो कर दिया खुलासा थारी रेपुटेशन का। ये भी यहाँ पर अपने मुंह से कबूल कर ले कि तेने रवि नाम के कवि की कविताएं चुराई हैं और उसको किसी और के नाम से छापा है जिसके पैसे तेने खाए हैं। वेल ब्रो, कर लो इसे तुम कबूल इज्जा, वरना होगी तुम्हारी भूल इज्जा। मॉम से लेना मत पंगा इज्जा, नहीं रहता चंगा इज्जा। चलिए ठीक है मैडम, मान भी लेते हैं कि मैंने रवि नाम के कवि की कविताएं किसी और अमीर आदमी के नाम से छाप दी हैं, लेकिन इस बात का क्या सबूत है? इसलिए कानूनन आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चलो। वेल मॉम, इसके दिमाग का करना पड़ेगा स्क्रू टाइट इज द, मकर संक्रांति में उड़ती है काइट इज द। सबूत? भैया लगता है हार्ट अटैक आ गया है, आजकल वो ही चल रहा है फैशन में। मैडम हॉस्पिटल में फोन करो। हेलो हेलो हेलो, सुनो क्या करना है? सोच रही थी। बस वो सेठ रतन चंद का बेटा है ना, जिसके नाम से हम रवि कवि की कविताएं छाप रहे हैं, उसने 10 लाख का चेक भेजा है। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं और हमारे कैबिन में बिना पूछे कैसे आ गए? अपुन का क्या है, अपुन को तो आना ही चाहिए। अपुन है बहन का भाई, टिल्लू तमंचा। जो भी बोलना है खोल के बोलो। अपुन का क्या है, अपुन को तो बहन को फेमस करवाना ही चाहिए। पैसे का टेंशन नहीं है, घर में कोई पेंशन नहीं है, और बहन को फेमस करने के लिए अपुन जितना भी खर्चा होएगा अपुन करेगा। एक्सक्यूज मी सर, जस्ट मिनट। बस लगता है नई पार्टी है, आपके बारे में जानती नहीं है, यहाँ से नहीं निकलनी चाहिए बस। अपुन का क्या है, अपुन को तो समझाना ही चाहिए। देखो बॉस क्या है, अपुन का बहन कविता लिखती है, अपुन को उसका एक मस्त मक्खन किताब निकलवाने का है। बोले तो एकदम ऐसा झकास किताब एकदम निकले जो बिल्कुल पढ़ के कविता एकदम झकास हो जाए, और उसके लिए जितना भी खर्चा होएगा 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ अपुन करेगा, पैसा पानी के माफिक बाहर डालेगा। छाप देंगे छाप देंगे, तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो तुम ये बताओ कि हम कब मिल सकते हैं तुम्हारी बहन से? कल शाम 5 बजे घटिया गार्डन। Excuse me, क्या आप ही टिल्लू की बहन है? समझ रही हो ना? समझ रही हो ना?
हाँ, मैं ही हूँ टिल्लू की बहन झरना। मुझसे इस कदर मोहब्बत ना करना जिस तरह रांझा ने करी थी हीर से। कोई किशमिश निकाल के चबा गया खीर से, हसन का दुपट्टा लहरा गया। आखिर कब तक यूं ही देखते रहेंगे, नजरों के तीर फेंकते रहेंगे? आपकी नजरों का बिच्छू मुझे डस रहा है, जैसे पेड़ पे टंगा चमगादड़ कोई हंस रहा है। हसन का दुपट्टा लहरा गया। मुझे आपके भाई टिल्लू ने भेजा है, उसने बताया था कि आप कविताएं लिखते हैं, तो मैं कविताएं छापता हूँ। मैं आपकी कविताएं जरूर छापूंगा। जी सच? मुझ? आप कविताएं छापेंगे? हाँ। तो फिर आपकी शान में एक कविता अर्ज है, और आप पब्लिशर हैं तो सुनना आपका फर्ज है। इश्क की रजाई चुहिया कुतर गई, पड़ोसी की बिल्ली बस से उतर गई। गली का कुत्ता हर दम ही करता है भाओ भाओ, शक्ति कपूर न जाने क्यों कहता है आओ आओ। कैसा लगा, वाह वाह नहीं कहेंगे? तुझे देखा तो ऐसा लगा जैसे चमगादड़ हलवा खा रहा हो, जैसे कोई कन खजूरा अपना ही सर खुजा रहा हो, जैसे कोई गधा खाना चाहता हो बर्गर। एक बात कहूँ बुरा ना मानो, अगर तुम्हें देखकर मेरे दिल का कद्दू छिल गया है। क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद कोई मिल गया है? हुस्न का दुपट्टा लहरा गया। आप तो कमाल की कविताएं लिखती हैं, मैं आपकी कविताएं जरूर छापूंगा। आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, आप बेहद खूबसूरत हैं। आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी लाइफ में नहीं देखी है। तो फिर चलें मम्मी से बात करने। बात करने? अरे जो किताब छापनी है उस बारे में, आप क्या समझे? हुस्न का दुपट्टा लहरा गया। अरे वाह दिलफेंक, लगता है तुझे देख के ये लड़की मर मिटी है तुझ पे, और करोड़ों पति लड़की है, मौका जाने मत देना। आइए, शर्माइए नहीं, आइए ना। कैसा है तू परितोष? कोई नहीं, मैं आपको अपनी माताजी से मिलाती हूँ, उनसे मिलकर आप बहुत खुश होंगे, वो इसकी जैसी बिल्कुल नहीं है। ओमा ओमा ओमा। ओह, थोड़ा गला बैठ गया है, कविताएं कह कह के ना। समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। माँ अरे माँ, क्या माँ, ये नहीं है दुश्मन, ये तो है फ्रेंड। इनका नहीं बजाना है आपको बैंड, ये तो वो है जो मेरी बुक करेंगे प्रिंट, जैसे कौए ने खा ली हो पेपरमिंट। बात सुनो, ये मेरी बेटी है, इसकी किताब छाप जानी चाहिए। तू जानता मैं कौन हूँ? मैं चंबल की मशहूर डाकू हसीना हूँ, और मैंने लूट लूट के 500 करोड़ जमा किया हुआ है, और सब मेरी बेटी का है। अब उनको आशीर्वाद दे माँ, अपन चांद पे जा रहे हैं। अपन सुना उधर नया एटीएम खुलेला है, अपन को वो एटीएम लूटने का है। वेरी गुड पुत्र, एक काम करना, आज से वक्त जरा मंगल पे भी होके आना, वहां भी कुछ लूट के ले आना। अरे लूटने से अपन को याद आया, एक मिनट ठहर, 10 करोड़ का हीरा लूट के ला ला, ये ले रख।
मालकिन बोरा भर के हजार हजार की नोटों की गड़िया हमारे आदमी लूट के लेके आए है। ठंड जबरदस्त थी, नहीं तो और लूट लेते थे। कितने होंगे इसमें? 4-5 करोड़ ना। एक काम करो, इनको जलाओ और आग सेको, वाकई ठंड बहुत है। माँ क्या रहा खजूर? मैं लपड़ बजा दूंगी जरा, सटल कर यार। बात सुनो भाई, मेरी बेटी ने मेरे कान भर दिए हैं। किताब तो छपती रहेगी कोई बात नहीं, लेकिन तुम इसके दिल पे छप गए हो। आई, 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 आई। ये तुमसे शादी करना चाहती है, बोलो मंजूर है? आप क्यों रहे हैं इतना सोच, जैसे कंगारू रहा हो अपना बाल नोच। बोलिए क्या आपको मंजूर नहीं? हमको मंजूर है। ऐसे कैसे मंजूर है? तेरी औकात क्या है? ज्यादा तो नहीं, 5 करोड़ की हैसियत है मेरी। अरे ये लुखे भिखारी से आप उनके बहन का रिश्ता नहीं करने का आप उनको? सुनो भाई, तुम यहाँ पे ना 5 करोड़ रुपया जमा करवा दो, परसों तुम्हारी सगाई कर देंगे, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी कर देंगे, ठीक है? मंजूर है। मैडम 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 मैडम, मेरे साथ धोखा हो गया मैडम, मुझे किसी ने लूट लिया मैडम। चिल्लाओ मत, यो पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे डैडी का डबिंग स्टूडियो ना है। क्या हुआ मैडम? मेरे साथ चीटिंग हुई है मैडम, मेरे होने वाली सास और उसके बेटे ने मुझे लूट लिया मैडम, मेरे 5 करोड़ रुपए लूट लिए मैडम। हम क्या करें? वेल ब्रो, बहुत है धोखेबाज शिकारी इस दा, जो बना गए तुम्हें भिखारी इस दा। ओह नो, अब कुछ नहीं हो सकता दोस्त, अब एक काम करो, कटोरा लेके बाहर बैठ जाओ। मैडम मैं समझ गया मैडम, ये मेरे कर्मों की सजा है, मैंने रवि के साथ धोखा किया, उसकी किताब किसी और के नाम से छाप दी मैडम। ये काश काश मैडम मैं रवि से माफी मांग सकता। क्यों नहीं, विश ग्रांटेड। आ जा भाई रवि किशन। मैडम पानी गर्म चाहिए। मेरे दोस्त मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। हट। ओ मम्मी, वो 5 करोड़ ढीले करोगी, कहाँ लेके जाओगी इस उम्र में? चलो अरे क्या इतना अचंभे में हो रहा है यार, हम ही थे माँ बेटी कवित्री इप्सुन किसी के संग धोखा है ना, चीटिंग करना मत, कानूनन जुर्म है यो। और आप भी किसी के साथ धोखा ना करें, छल कपट ना करें। याद रखें वही इंसान धोखा खावे जो विश्वास करता है, और एक बार विश्वासघात होने के बाद ना सिर्फ उस इंसान का विश्वास टूटता है बल्कि उसकी मासूमियत छिन जावे, उसकी शख्सियत पर एक ऐसी दरार आ जावे जो फिर जिंदगी भर ना भरती, और फिर वो इंसान किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। डू वी वॉन्ट टू लिव इन अ वर्ल्ड लाइक दैट? वैसा तो हो ही गया है वैसे वर्ल्ड, मगर अगर एक एक करके हम और आप थोड़ा थोड़ा बदलें तो अच्छा बन जाएगा ना यो देश, वरना फिर ऐसे ही निकलेंगे सब। Well. तो धोखा नहीं, प्यार फैलाएं। जय हिंद।